कि सुनाओ, खाने पीने में ही ध्यान रहता है तुम्हारा, कभी मेरी तरफ भी देख लिया करो। देखो देखो तो सलाम कर। अबे सलाम कर, ये देखें जी, बहुत ही प्यारा। जी तो प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। बस एक एक्नी जो है चेहरे पर आकर बैठ गई है यार, इसका कोई हल बता दे पक्का। पहले दो तीन महीने हो गए हैं, माशाल्लाह से काफी बेहतर हो गए थे ये एक्नी, दाने वगैरह मेरे नहीं निकलते थे, लेकिन अब जो है बूथे पर आकर फिर बैठना शुरू हो गए हैं। यार क्या करूं मैं इनका, बड़ा परेशान हूँ यार। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं तकरीबन 3 बजे, वो इसलिए कि मेरी रात को तबीयत खराब हो जाती है, दिन को ठीक हो जाती है यार। बस ऐसा ही जिंदगी में कुछ मसला जो है थोड़ा थोड़ा चल रहा है। लेकिन यार आप देख सकते हैं कि घर बिल्कुल ही सुनसान लग रहा था, क्योंकि पहले मेरे भांजा भांजी थे यहाँ पर और उनके साथ बहुत ज़्यादा खूब मस्ती की, और अनाया और तैमूर जो है सारा दिन दिल लगाए रखते थे यार, उनके साथ पपी शपी भी कर ली जाती थी और उनके साथ खेला भी जा सकता था। लेकिन अब जो है सारी चीज़ें बोर बोर सी लग रही हैं, ये देखें सुनसान पड़ा हुआ है। और उनकी मेरे पास वीडियो भी पड़ी हैं, वो भी आपसे शेयर करता हूँ पुरानी, वो वीडियो देख कर हम गुजारा कर लिया करेंगे। और सेल्फी भी मैंने ली थी बहुत सारी अनाया के साथ, उनके साथ जो है दिल लगाया था। एक महीना तकरीबन हमारे पास रह के गए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हमारे पास ही थे, कभी गए नहीं थे, लेकिन आज गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे साल 2 साल हो गए हैं, चले गए हैं यार। अभी आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें जी, अनाया ने आज चप्पल पहनी हुई है, अपने से भी बड़ी, और शर्मा रही है। ये देखिए कैसी शर्मा रही है। और तुमने क्या मॉडलिंग करनी है बताओ मुझे, चलो मॉडलिंग करके दिखाओ, चलो चलो शाबाश। ओए अल्लाह कसम से, ये देखे जी तैमूर की मेरे साथ शैतानी है। मैं वीडियो एडिट कर रहा था, मैंने कहा चलो अपना साथ में वीडियो भी एडिट कर लेता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और तैमूर जो है मुझे वीडियो एडिट करने नहीं दे रहा, वो खेले ही आ रहा है मुझसे। मेरे साथ बहुत ज़्यादा खेलता था क्योंकि मैं छोटा मामू हूँ, तो मुझसे बहुत ज़्यादा फ्री होता था। और अनाया भी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ना दिली लगाव उसका बढ़ गया था, क्योंकि महीना डेढ़ महीना रही है और वो मुझे जान गई थी, मैं उसे जान गया था, और वो जो है ना हमारी काफ़ी जो है ना इंट्रैक्शन हो गई थी आपस में, तो मुझे इस तरीके से देख के कहती थी मामू, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। लेकिन फिर भी कोई नहीं यार, इंशाल्लाह 1-2 महीने के बाद हम भी चक्कर लगा लेंगे और उनसे मिल के आएंगे, ताकि मौसम देखते हैं कैसा लग रहा है और थोड़ी सी धूप भी सेकते हैं और मस्ती करते हैं। देख सकते हैं जी आप ऊपर आ गए हैं, हम ऊपर सूरज तो ऐसे टपक रहा है जैसे अनारकली के ठुमके टपक रहे हों, हैं तो स्मॉग भी हल्की हल्की सी आपको दिख रही होगी। हाँ काफ़ी स्मॉग फैली हुई है आज भी, लेकिन सूरज भी निकला हुआ है। देखिए आप, धूप भी मेरे चेहरे पर ऐसे टपक रही है जैसे मक्खियाँ शहद पर टपकती होती हैं। कैसी लगी मेरी ठंडी सी जगत है। तो जो देखें नाले में बतखें भी जो है ना कतार बना के चल रही हैं, इनके पास चलते हैं और थोड़ी सी गपशप लगाती हैं इनसे। आ आ आ आ आ आ आ आ, क्या चाहिए? हाँ मेरे पास कुछ नहीं है खाने को, सिर्फ आपकी सेल्फी बनानी है मैंने अच्छी वाली। आ आ आ आ आ आ आ आ, इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। देखें जी मेरी तरफ कैसे पीछे पीछे आ रही हैं, इनको लग रहा है कि जैसे मैं कोई चीज़ डालने लगा हूँ, लेकिन नहीं भाई कोई चीज़ नहीं है मेरे पास, सिर्फ ये वाली कंघी है, ये डाल दूँ। आ आ आ आ, ये ले ये ले ये ले, ये देख कैसे भाग के आ रही है जैसे खाने वाली कोई चीज़ हो। आ 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 आ, ये वाली वाइट कलर की बहुत प्यारी है जी, ये प्यारी है भाई। आए हाय 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 हाय, ये देखें जी कैसे गोते लगा रही है पानी में बढ़ के। ओ सुनाओ ठीक ठाक हो, ओ किधर जा रही हो? हमारे यहाँ इधर बतखें वगैरह नहीं होती थी, लेकिन नाले। ओए तू तो चुप कर, गधे कहीं के, चुप कर, वीडियो बना रहा हूँ मैं, तेरा भी इंट्रोडक्शन लेते हैं ठीक है, अभी उनका तो ले लें। अच्छा तो यार मैं कह रहा था कि बतखें जो है ना हमारे यहाँ नहीं थी, अब जो है लोगों ने पालनी शुरू कर दी है, इसलिए कि साथ में ही हमारे करीब में नाला है, यहाँ पर बतखें जो है फिरती रहती हैं, खाती रहती हैं, अपने आप ही पड़ती बलती रहती हैं और बच्चे देती रहती हैं, तो बड़ी काफ़ी सारे जो है ना बच्चे अभी हो गए हैं। और आज हम आपको इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं अपने टॉमी से, जिसका नाम हमने रख दिया है मोती, मोती हीरे लाल। तो इसको आपको दिखाता हूँ, ये अभी हमने तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं ज्वाइन किया है, बड़ा ही मज़े का है, मज़े का नहीं है, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का है, अभी दिखाता हूँ आपको। अब बताओ
पहले तो बड़ा शाबाश इंट्रोडक्शन दो, चलो 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 शाबाश। ये जी है मोती जिसको अपने खुद के पैसों से लाकर इसको डाली है, गधा कहीं का। उठ उठ शाबाश 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 शाबाश, उठ उठ सलाम कर सलाम कर सलाम कर सलाम कर। अबे सलाम कर, ये देखें जी बहुत ही प्यारा टॉमी मोती है हमारा, और सभी बातें अभी आहिस्ता आहिस्ता से समझता है, गधा कहीं का। उठ के बैठते होते हैं, जब कोई बंदा आए तो उसे इज्जत देते होते हैं, उसे साथ में बिठाते होते हैं। हया लाई हुई हो तुमने, है ही नहीं ना। चलो भाई इसका इंटरव्यू हो गया है, आज हमारा कट्टो जो है ना सुबह सुबह ही हमने चारा जो है ना लाकर इसे डाल दिया है, और ये इसने खाने पर ही हाथ धरा हुआ है। हाँ जी सुनाओ, खाने पीने में ही ध्यान रहता है तुम्हारा, कभी मेरी तरफ भी देख लिया करो। देखो 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 शाबाश, इधर देखो, अपनी आँख ही दिखा दो नशीली आँखें। इधर जी हमारी बकरियाँ जो है ना चर चर कर रही हैं, घास वगैरह खा रही हैं मज़े से। और ये है जी मेरी मीमो जिसका नाम है राजा और रानी। ये जो है आग जलाने के लिए लकड़ी जो है ना कटाई कर रहे हैं लकड़ी की, और हमें चाहिए आरी, जिसे आरी बोलते हैं ना उससे सही कटाई होती है, वो हमारे खालू के घर गई हुई है। तो चले चलते हैं वो लेने, और वहाँ से लेकर आके जो है ना भाई को देते हैं, ताकि उनसे अच्छी किस्म की कटाई हो, समझा करें ना आप। ये देखें अभी भाई, ओए होए 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 क्या बात है भाई जान, चट्टा तो दो ना हूँ। क्या वीडियो बनाना की, अच्छा मैनू भी दे हूँ, मैं भी ले एक, मैं भी निशाना लाना, तो मुड़ मैं चले जाना ठीक है। अच्छा केड़ी लावा दस, केड़ी मतलब उत्थे उंगल रख के दस था सही लाउनी केड़ी। बड़ी देर हो गई यार मैनू खेडिया नहीं लगी बड़ी। किसी दौर में बहुत ज़्यादा अखरोट में खेलता था, लेकिन अब नहीं खेलता क्योंकि अब हम हो गए हैं बड़े, थोड़े से काम बड़े बड़े करते हैं, सही ना। तो इनको खेलने देते हैं, फिर हम चलते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़, बाय बाय टाटा। आरी लेने गए थे, लेकिन आरी जो है घर वाले उधर नहीं है, तो आरी भी नहीं होगी फिर, जाहिर सी बात है। खाला जो है अम्मी नानी के घर गए हुए हैं, और जो खाला का घर है वो अभी ताला लगा हुआ है, इसलिए जो है मैं वापस आ गया हूँ। भाई ने उतनी देर जो है ना लकड़ी वैसे की वैसे ही काट ली है, मेरा तो घेड़ा ही पोआया है अम्मी वैसे ही। आप में से कई लोगों ने तो हमारी सब्जियाँ देखी होंगी, और कईयों ने नहीं देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक स्पेशल चीज़। ये मूंगरे ये लहसुन वगैरह तो आपने देखे होंगे, लेकिन इधर आपने एक चीज़ नहीं देखी, एक चीज़ नहीं नोट की। ये देखें जी हमारी चुकंदर जो है ना लाल लाल रेड रेड किस्म की लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप यार। अच्छा अल्लाह पाक की कुदरत देखें कि ज़मीन एक जैसी है, उसका कलर भी एक जैसा ही है, लेकिन उसमें से चीज़ों का रंग कैसे बदल जाता है देखें फिर अल्लाह पाक की कुदरत आप। कि ये वाली चुकंदर जो है ना इसका दरख्त भी देखें रेड रेड किस्म का होता है। अभी ये छोटी है, लेकिन जब ये बड़ी होगी ना हम इसे काटेंगे खाएँगे और खून पैदा करेंगे हमारे अंदर। ये भी बहुत ही प्यारे महंगी पत्ती अम्मी अभी ही लेकर आए थे, और हमारा बड़ा ही नुकसान हो गया कि पत्ती गिर गई है, इतनी ज़्यादा महंगी पत्ती। नुकसान तो जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन अम्मी जान अभी बना रहे हैं हमारी चाय। कुछ नहीं होता अम्मी जान, वो किस्मत की बात थी, हमारे बस में नहीं था वो। आपसे कभी पहले कभी नुकसान हुआ है, आज हो गया है, तो चलो कोई बात नहीं है। तो यार चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है, कोई भी नुकसान हो जाता है दुख तो लगता है ना दिल में, फिर कोई बात नहीं है यार, चाय पीते हैं। और अम्मी साथ में लेकर आए हैं बिस्कुट, और ये डिब्बा जो है ना ये 270 रुपए का है, काफ़ी महंगा है, कोई बात नहीं है। हमारी बन गई है बड़ी ही ताज़ा और फ्रेश किस्म की, और अभी चाय के अंदर थोड़ा सा बिस्कुट जो है डिप करके अपने मुँह में डालते हैं, मज़ेदार। और इसको इसके अंदर डिप करते हैं और फिर मुँह में डालते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखानी है, हैं खुद सीख लें, बड़े हो गए हैं आप। यार आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, नहीं भी आया होगा तो तब भी लाइक बटन सब्सक्राइब ठोक के रखना है।